संभल जनपद की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में पिछले 48 घंटों से लापता मासूम का नहीं कुछ भी पता चल सका। संभल जनपद की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर से गुरुवार की सुबह अपने घर से गायब हुए 8 माह के मासूम बच्चे का पुलिस 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा सकी। पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर का है। यहाँ रहने वाले सुखबीर दिवारकर का 8 माह का बच्चा घर पर था। सुखबीर की पत्नी अपने बच्चे को चारपाई पर सोता हुआ छोड़कर कुछ देर के लिए छत पर चली गई। जब वापस आई तो देखा कि उसका बच्चा चारपाई पर नहीं था। कुछ देर मोहल्ले में तलाशने के बाद जब इनका बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने चंदोसी कोतवाली में पहुंचकर उसके गायब होने की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शक के आधार पर पुलिस ने 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज संभल। अच्छा, क्या हुआ आपके जो परिवार से एक बच्चा गायब हुआ, क्या मामला है? ये मामला छोटी वाली कपड़ा डालने पर चली गई, इतनी देर में बच्चा गायब है। इनसे पूछ के दिखाओ। क्या सुबह का मामला है? हाँ, सुबह 8 बजे। और सब लोग कहाँ गए हुए थे? सब अपने अपने घर में, सब पढ़ने गए थे, ये बताने के लिए। बच्चा घर पर, एक ना हमारा छोटा बच्चा बाहर रह जाता घर पर, बस वही गायब हो गया है। आज कितने दिन हो गए इस चीज़ को? बृहस्पत को लला उठो हुआ है 8 बजे। अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई बच्चे के बारे में? आपके यहाँ क्या मामला हुआ? क्या मामला ये हुआ सर, हम तो सुबह मंडी चले गए थे, तो हम घर वहाँ से मंडी से खबर गई, हमारे भाई गए भागते हुए कि जरो लल्ला उठा लो, लल्ला उठा लो, किसी लल्ला उठा लो। तो भागते हुए आए, भाई की तबीयत सही नहीं, भाई गए नहीं, एक भाई रिश्तेदारी में गए थे, एक भैया पहले चले गए मंडी, हम गए थे। तो हमने कि चलो सब्जी वब्जी ले आए, बेचने गई सब्जी, कुछ ले भी गई, तो भैया गए भागते हुए कि लल्ला उठा लिया, किसी लल्ला उठा लिया, तो हम भी भागते चले गए अशोकनगर में, भी भागते चले गए, मेला के मेला के कुछ कुछ दिखाई ले दिया, तो हम मोटरसाइकिल लेके गए देवर चला के करा, मुझे भी कुछ पता न चली। अच्छा, आपको किसी पे शक है क्या? शक हो जाए साहब, शक हो जाए ये है कि हमारी उनकी थोड़ी नाचा गोपड़ी थी। आप क्या करते हैं वैसे? हम ठेली चलाते हैं सर, सब्जी बेचते, मंडी से लाएँ सब्जी लगाना घर, सब्जी बेचते। आप वैसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर मधुपुरी है, दिगोई के पास में मधुपुरी। कहाँ? दिगोई के पास में मधुपुरी, आमला तहसील आंवला जिला बरेली, वहाँ के रहने वाले। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? 4 साल हो गए। यहाँ किसी से झगड़ा? झगड़ा कुछ नहीं, सारे उमेर से उनसे कुछ दिन पहले प्रेमनगर में 11 माह का बच्चा गायब हुआ है, इस मामले को क्या कहना? कल सुबह लगभग 8 बजे के करीब जब प्रेमनगर में उसकी माँ छत पर गई हुई थी कपड़े सुखाने, उस समय में केवल 10 मिनट के अंदर ही उसके 11 महीने का बच्चा जो खाट पे लेटा हुआ था वो गायब हो गया है। उसमें संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है चंदोसी थाने पे। इसके अलावा 1-2 लोगों पे जो शक जताया गया है उसके पिता और उसके रिश्तेदारों के द्वारा, उनको पूछताछ उनसे किया जा रहा है। इसके अलावा और भी वैज्ञानिक तरीकों से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पुरानी रंजिश को लेकर बच्चा गायब किया हो? ऐसा हो सकता है, 1-2 लोगों पर शक जताया गया है, उस पहलू को लेकर के भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जल्दी ही इस संबंध में। एक महिला भी उसमें कुछ गिरफ्तार की गई थी, उस हमले में क्या हुआ? पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया, उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी। क्या उम्मीद समझाएगी बच्चे के लिए? उम्मीद क्या समझी जाए बच्चे के लिए, कब तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग जल्दी।